press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर चैनल इंडिया डेली लाइव पे भारतीय बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जिसमें आप देखेंगे नाज़िया खान जी अपनी निजी जिंदगी के बारे में आपको बहुत कुछ बताएंगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है इंडिया डेली लाइव को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके चैनल को भी जाकर विजिट करें और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। बहुत वोकल और सच को बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती, एक बार भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं संवैधानिक तरीके से बात करती हूँ। अगर कोई गलत कर रहा होता है, अगर कोई गलत बोल रहा होता है, तो मुझे मुंह पर उनके उनको बताने से ना भय लगता है, ना डर लगता है और ना ही हिचकिचाहट लगती है। अब चाहे वो खारी हो, मुफ्ती हो, मौलाना हो, हाजी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता है। झूठ का पर्दाफाश करना मेरी फितरत हो चुकी है और रत्ती बराबर भी मैं किसी से डरने वाली हूं। ठीक है, और क्या नाज़िया इलाही खान खुद को मुस्लिम मानती हैं? हाँ जी, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, नेल पेंट, नेल पॉलिश, मेकअप, परफ्यूम, इन सब चीजों से बहुत दूर रहती हूँ, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती हूँ और 14 साल के बेटे की माँ भी हूँ। तो जितने भी सूम सलावात है मेरे घर से लेकर के मेरे कुल खानदान में, सारे मुस्लिम रिचुअल्स को, सारे मुस्लिम पाबंदियों को पूरा किया जाता है। हाँ, एडुकेशन पर मेरे माँ बाप ने हम तीनों बहनों को बहुत ज्यादा तवज्जो दिलवाया। हम तीनों बहनें बहुत शिक्षित हैं। मैं अभी LLM कर रही हूँ और इसके बाद फॉरेंसिक में PhD करने का मेरा इरादा है। मेरी बड़ी बहन जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में है, प्रैक्टिस करती है। छोटी वाली जो बहन है उसने MBA किया हुआ है और अब वो इंडिया से बाहर जाकर के वो अपनी PhD कंप्लीट करना चाह रही है। अच्छा, इस्लाम, आपने कहा मैं इस्लाम में हूँ और इस्लाम के लोग ही इस तरह कोट कर रहे हैं कि ये हिंदू महिला है जो इस्लाम के खिलाफ अलग अलग बयान देकर प्रोपोगेंडा कर रही है। देखिए, मुझे प्रियांक जी ऐसा लगता है कि लफ्जों से बोल करके और एक्स ट्विटर पे या इंस्टा पर लिखने से ना मर्द, मैं मानती हूँ ऐसे मुसलमान मर्दों को, मुझे लगता है कि नापुंसक। अगर वाकई में उनको साबित करना है कि मैं हिंदू हूं या BJP का बनाया हुआ कोई प्रोजेक्ट हूं या BJP का बनाया हुआ कोई एजेंडा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ में कोर्ट में केस कर देना चाहिए। मैं कोर्ट में साबित करूंगी मेरे घर में कितने, मेरे कुल खानदान में कितने हाजी हैं, मेरे कुल खानदान में कितने हाफिज कुरान हैं, मेरे कुल खानदान में कितनी बहनें और कितनी बड़े बुजुर्ग ने हज करके रखा हुआ है, वो मैं जज साहब को दिखा दूंगी। इसमें दिक्कत कहां पर आ रही है? और देखिए, कोई भी मुसलमान मर्द अगर लफ्जों से कह रहा है या लिख रहा है कि तू तो मुसलमान ही नहीं है, तू तो हिंदू है, तो मुझे लगता है कि बदतमीज, एकदम बदतमीज और नाअकल है, वेस्टेज ऑफ टाइम है उनका, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं ओपन चैलेंज हर एक नेशनल इंटरनेशनल चैनल पर करती हूँ कि जिस किसी को भी मुझसे कन्फ्रंटेशन या डिबेट करना है, तथ्य और सत्य के आधार पर आ जाओ। मैं कुरान की किताब नहीं लेकर बैठूंगी, आप कुरान की, अल कुरान की किताब लेकर बैठो। और आप जी देखिए, आप किसी अगर घर में रह रही हो और वो घर आपको नापसंद है, किसी परिवार में रह रही है, वो परिवार आपको नापसंद है, तो वहां के परिवार के लोग आपसे ये सवाल करेंगे कि आप वो घर या परिवार छोड़ क्यों नहीं देते, तो आप इस्लाम छोड़ क्यों नहीं रह रही हैं? इस तरह सवाल तभी मौजूद होते हैं जब आप इस्लाम में रहकर इस्लाम की बैंड बजाती हैं, अगर आपके शब्दों में कहें तो। इस तरह के सवाल होंगे कि आप इस्लाम में रहकर इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रही हैं, जैसा कि आपके विरोधी कहते हैं। देखिए, मेरे परिवार में अगर कोई मर्द मुझे प्रोस्टिट्यूट बोलेगा, मेरे परिवार में अगर कोई मर्द मुझे गंदी गंदी गालियों से नवाजेगा, मेरे परिवार में अगर कोई मर्द मेरी माँ को गंदी गंदी गालियां देगा, तो मैं वो परिवार नहीं छोड़ सकती हूँ, पर उन मर्दों को सुधारने की ताकत मेरे अंदर बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मैं परिवार कभी नहीं छोड़ सकती। अब देखिए, इंसान को कभी कैंसर होता है, कभी ट्यूमर होता है, कभी अपेंडिक्स होता है, कभी जॉन्डिस होता है, तो क्या हम उस अंग को, उस शरीर को काट के फेंक देते हैं? क्या नहीं फेंकते हैं?
हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं उसको, उस अंश को हम ठीक करते हैं, तो मैं तो वही कर रही हूँ। और अगर किसी मुसलमान के पास अबू मरतहत का और जिब्राइल अलैहि सलाम की कोई चिट्ठी अगर आई है अल्लाह की तरफ से, तो वो चिट्ठी मुझे दिखा दिया जाए तब छोड़ दूंगी भाई, क्योंकि अल्लाह के पैगाम को तो मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ, पर पहले वो चिट्ठी देखना चाहूंगी अबू मरतहत का और जिब्राइल अलैहि सलाम का। ठीक है, दो सवाल है मेरे। एक, आपका आप सनातन की बड़ी समर्थक भी हैं इस्लाम में रहने के बावजूद, सनातन से इतना लगाव कैसे हुआ, और इस्लाम में चूंकि आप हैं, इस्लाम की आपको कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप बुराइयां तो इस्लाम की कई बता चुकी हैं आपके तमाम वीडियोस हैं, इस्लाम में ऐसी कौन सी अच्छाई है जो आपको रोक रही है अभी इस्लाम छोड़ने से? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं एक मुसलमान माँ के कोख से जन्म हुई हूँ, और जिस कोख से मैं जन्म हुई हूँ मैं उससे बेवफाई कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मेरी माँ मुसलमान है, मेरी माँ के तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती है, मेरी माँ का नफिल रोजा नहीं छूटता है, मेरी माँ के सर से आंचल कभी नहीं हटता है, तो मैं उनके साथ बेवफाई कभी नहीं कर सकती हूँ। दूसरी छोड़ रही हूँ नहीं मैं, और दूसरी वजह बता रही हूँ, पूरे अल कुरान के 30 पारा में जिस तरह से मैंने बीबी मरियम अलैहि सलाम को पढ़ा है, बीबी आयशा को पढ़ा है, बीबी सफिया को पढ़ा है, बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ा है, वो चीजें मुझे एम्पावर करती हैं, वो चीजें मुझे बहुत एनर्जी देती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉफिट के बारे में सारे मौलवी मुल्ला बताते हैं, क्योंकि वो मर्द है इसलिए मर्द के बारे में बताते हैं, मैं वाहिद इस धरती पर औरत रहूंगी जो मैं उनके बारे, उन महिलाओं के बारे में, उन औरतों के बारे में बताऊंगी जिनका जिक्र भी कुरान में है, और जिन औरतों ने, जिन महिलाओं ने बहुत दिक्कत, बहुत कश्मकश और बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद अल्लाह की नजर में बहुत खूबसूरत दर्जा हासिल किया है। अब बीबी फातिमा के बारे में आप पढ़िए, कितनी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। उनके शौहर, उनके काबिल का सीना चीरने वाला भी मुसलमान बगल का नमाजी था। अब आप बीबी फातिमा के दो बेटों के बारे में पढ़िए, उनका भी सर तन से जुदा करने वाला मुसलमान ही था। अब आप बीबी मरियम अलैहि सलाम के बारे में अल कुरान में पढ़िए, तो उनको बेइज्जत करने वाला और उनके ऊपर पत्थर फेंकने वाला भी मुसलमान ही था। बीबी सफिया के बारे में पढ़िए, वो तो जंग के मैदान में जाया करती थी तलवार लेकर के। बीबी आयशा के बारे में पढ़िए, वो जब भी तबलीग में बैठती थी तो वो शिक्षा की चर्चा किया करती थी। तो अब बताइए कि कोई तो एक ऐसी औरत होनी चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी में जो इन महिलाओं के बारे में बताए, जो वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल है। बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो बिजनेस टाइकून थी, उनके पैसे पर तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार किया था, इस्लाम की तबलीग की थी। अब बताइए, मैं इनके बारे में कोई तो होना चाहिए ना बताने के लिए। आपका दूसरा सवाल था कि सनातन धर्म से मुझे इतना लगाव क्यों है। अगर गूगल पे सही से कोई सर्च करे तो 2014-15 के करीब की अगर तस्वीरें निकाले तो मैं वही नाजिया इलाही खान हूँ जिसने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाया था, और मुझे इस बात को बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं महसूस हो रही है, बिल्कुल नहीं। मैंने पश्चिम बंगाल के धर्मतल्ला के वाई चैनल पर मोदी जी का पुतला जलाया था, और मैंने कहा था कि भाई ये आदमी बिल्कुल भी मुसलमान के खिलाफ है। पर जैसे जैसे मैंने उनके कामों को देखा, जैसे जैसे मैंने मुसलमान बेटियों को दर्द समझते हुए उनको देखा, और 2015 में जब सर्वोच्च न्यायपालिका में मैंने 3 तलाक का पिटीशन फाइल किया, और 2017 में ऐतिहासिक जजमेंट आया, 2019 में उस पर इतना अच्छा कानून बना, तब मुझे एहसास हुआ कि अरे भाई, ये इंसान तो पहला प्रधानमंत्री है जो वाकई में मुसलमान बेटियों के बारे में सोच रहा है। इससे पहले तो किसी ने नहीं सोचा, इससे पहले तो ना शाबानों को किसी ने देखा, ना सायरा बानों को किसी ने देखा, और ना ही मुसलमान बेटियों के दर्द और तकलीफ को किसी ने समझने की कोशिश की। उसके बाद मुझे एहसास हुआ 2016 में कि मुझे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब तक मैं मुसलमानों के जुबान से सुनती आई हूँ, काफिर है, इनफिडल्स है, इसको मारो, इसको काटो, ये लोग बहुत बुरे होते हैं, बुत परस्ती जो करता है वो अल्लाह के खिलाफ होता है, ये मैंने अपने परिवार से लेकर के बाहर मुसलमानों तक सुना। जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा तब मुझे एहसास हुआ कि भाई ये सारे लोग अब तक झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद फिर इस दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन टेंपल में मुझे इनवाइट किया गया,
और मैं गई और तब उन्होंने मुझे अरबी में भगवत गीता दिया, गिफ्ट किया उन्होंने मुझे, एक तोहफा दिया। मेरा कमांड भारत के तकरीबन 8 लैंग्वेजेस पर है, जो मैं बहुत फ्लुएंट बोलती भी हूँ, लिखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ। तो मैंने अरबिक में जब वो भगवत गीता पढ़ी तो मैं और भी क्रिस्टल क्लियर हुई कि भाई यहाँ पर तो मानवता की बात है, यहाँ तो माफी की बात है, यहाँ तो महिलाओं को पूजनीय समझा जा रहा है, यहाँ तो रिफॉर्मेशन की बात है, यहाँ तो इम्प्रूवमेंट की बात है, यहाँ तो डेवलपमेंट की बात है, यहाँ तो जीरो का आविष्कार है। फिर मैंने वेद और ग्रंथ पढ़े, फिर मैंने अध्याय पढ़े, फिर मैंने नाजिया जी, आपके विरोधी फिर काउंटर करेंगे कि क्या इस्लाम में महिलाओं का अपमान होता है, क्या महिलाओं की वहां पर इज्जत नहीं है? और फिर वही बात आ जाएगी कि आपको अगर इतना ही खराब इस्लाम लग रहा है कि वहां पर महिलाओं की इज्जत नहीं है, तो फिर उनके मुताबिक प्रोपोगेंडा के लिए आप फिर क्यों नहीं छोड़ देती हैं इस्लाम? क्योंकि आपका अभी पहले सवाल का मेरा जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल पाया कि इस्लाम में आपने अच्छाइयां आप अभी तक नहीं क्लियर कर पा रही हैं कि क्या आपको कैसी कौन सी अच्छाई है जो रोके हुए है। मैं पहले आपको इस्लाम की कुछ मैंने आपके लिए निकाल कर रखा है ताकि मैं बोल सकूं और प्रूफ के साथ बोल सकूं। पहले बुराइयां बताती हूं, मैं पहले बुरी खबर पहले सुनती हूं, अच्छी खबर बाद में सुनती हूं। कुरान सूरा नंबर 2, आगे बढ़े इससे पहले बस एक मेरा दो टूक जवाब दे दीजिए, क्या कुरान इस आसमानी किताब है? कुरान को आप सत्य किताब मानती हैं? कुरान आसमानी और अलहमी किताब है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और भारत में कुरान के साथ, अल कुरान के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है और इसको रिसर्च में डालना बहुत जरूरी है, बहुत इमीडिएट जरूरी है। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इस बारे में कई बार तबसरा किया है कि अल कुरान को रिसर्च में डालना चाहिए, क्योंकि इतना वॉयलेंस कोई धर्म तो नहीं सिखा सकता। आपके दूसरे सवाल का जवाब भी मैं दो टोक में ही दे देती हूँ। जो मजहब मुस्लिम समाज की औरतों को इज्जत, रुतबा और प्रॉपर्टी में हिस्सा देने को तैयार नहीं है, वो मुस्लिम समाज क्या मुसलमान महिलाओं को तालीम याफ्ता होने दे सकता है? हमारे बिना परिश्रम के, हमारे बिना एफर्ट के? आपको क्या लगता है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत वोकल हूँ, ये मुसलमानों को बहुत पसंद आता होगा? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा। उनकी उनका बस चले ना तो कब मेरा गैंगरेप करे मेरा मुंह बंद कराने के लिए, कोई ठीक नहीं है। मैंने आपको कुछ प्रूफ भेजा था, आपने शायद उसको पढ़ा हो। So, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, खासकर अपनी फैमिली के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताया और कैसे वो इस्लाम को और क्यों वो इस्लाम को क्रिटिसाइज करती हैं, इसका रीजन भी आपको जानने को मिला, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा भारत देश आगे बढ़े और हर मजहब की जो बुराई है वो पीछे जाए और अच्छे लोग सामने आए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।